हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेंट ओएस रोम के बारे में, जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है और रेडमी नोट 5 प्रो और रेडमी नोट 8 दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों फोन में मोस्टली जो है सेम ही फीचर्स हैं, तो मैं आपको एक ही फोन में सारे फीचर्स दिखाऊंगा और एक ही फोन में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सारा प्रोसेस एक जैसा ही होता है। काफी सारे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स के अंदर देखने मिलते हैं और काफी स्मूथ है इस टाइम पे और काफी परफेक्टली काम कर रहा है। जो एक फर्क आपको दोनों फोन में देखने को मिलेगा कि रेडमी नोट 5 प्रो के अंदर जो कैमरा मिलता है वो आपको MIUI का कैमरा मिलता है और Redmi Note 8 के अंदर जो है आपको डिफॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर कोई भी फीचर्स काम नहीं करते हैं, यानी कि ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं है उसके अंदर, बट आप GCam 7.3 को उसके अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड चेंज जो दोनों फोन में दिखता है कि वो आप Redmi Note 5 Pro के अंदर जो है HD मोड पे PUBG गेम को खेल सकते हैं, Redmi Note 8 में आप नहीं खेल पा रहे। तो यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं और दोनों फोन में वाईफाई कॉलिंग परफेक्टली काम कर रही है। तो वीडियो को पूरा एंड देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके, क्या फीचर्स हैं और कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि फीचर्स जो है मैं आपको सिर्फ एक ही फोन में शो करूंगा, कि दोनों फोन में शो नहीं करूंगा। फीचर्स मोस्टली सेम है, जो चेंजेस थे वो मैंने आपको शुरू में बता दिए हैं। तो कुछ आपको इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है। अगर आप स्टेटस बार के आइकन्स देख पाए तो आपको काफी सारे यहाँ पे आइकन्स के कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे आप उनको चेंज करेंगे। जेस्चर जो है आपको इसके अंदर एंड्रॉइड 10 के ही देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से रीसेंट टैब्स वगैरह ओपन होते हैं, ऐप डोर ओपन होता है और लेफ्ट एंड राइट से स्वाइप करते हैं तो आपके फोन में जो है गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो जाता है। क्योंकि सेटिंग्स पैनल जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें आपको ऊपर काफी सारी क्लॉक्स मिल जाती हैं। आप इसके अंदर डिजिटल या एनालॉग क्लॉक्स कोई भी हो वो यूज कर सकते हैं आइकन्स को चेंज कर। तो ये सब चीज़ें आप कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वाईफाई कॉलिंग परफेक्टली काम कर रही है। अगर बात करें इन आइकन्स को आप कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जाइए, एनसेंट फीचर्स में जाइए, यूजर इंटरफेस में जाएंगे। यहाँ जो एनसेंट ओएस स्टाइल थीम है इसमें आप जाएंगे तो आप जो है कस्टमाइज करेंगे किसी भी थीम को। जैसे कोई भी थीम आप लेते हैं, चलो आप फॉन्ट ये ले लेते हैं, आइकन पैक आप जो भी लेना चाहें उस तरीके का आइकन पैक ले लीजिए। किस तरीके आपको आइकन पैक चाहिए वो आपको मिल गया। नेक्स्ट कीजिए, आपको क्या कलर चाहिए, कौन सा कलर आपको उसमें सेटअप करना है, ब्लैक रेड करना है, ब्लैक ब्राउन करना है, जो भी आप है वो कर लीजिए। मैं ब्लैक पसंद करता हूं तो मैंने ब्लैक कर लिया है। आपको जो है अपने स्टेटस बार के जो आइकन हैं उनके शेप कैसे चाहिए, मैं मोस्टली सैमसंग के पसंद करता हूं तो वो मैंने रख लिया। तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया है और इसको अप्लाई कर दिया है। अब आप जो क्विक सेटिंग्स का पैनल देखेंगे वो कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा। आपको नए आइकन स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पे डिजिटल क्लॉक देखने को मिलेगी। हर आइकन पैक के ऊपर आपको एक अलग अलग क्लॉक देखने को मिलेगी, किसी में डिजिटल मिलेगी, किसी में एनालॉग क्लॉक मिलेगी। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अब आप देख पा रहे होंगे स्टेटस बार के आइकन्स भी जो है जो हमारे पहले थे अब वो चेंज हो गए हैं और सेटिंग्स बार का जो हेडर है वो भी अब चेंज हो गया। तो ये हेडर भी जो है उन आइकन पैक से चेंज हो जाता है। तो ये काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कस्टमाइजेशन के मामले में इस रूम में आपको काफी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि बहुत सारे रूम्स में आपको देखने को नहीं मिलते। तो एनसेंट फीचर्स में ही आपको देखिए स्टेटस बार के अंदर काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे वोल्टेज आइकन चाहिए कि नहीं, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लॉक सेटिंग्स कैसी चाहिए, आपको क्लॉक को सेटअप कर सकते हैं, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए, कौन सा स्टाइल चाहिए, क्यूक सेटिंग को बैटरी स्टाइल कौन सा चाहिए, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से स्टेटस बार को फुल्ली कस्टमाइज कर पाते हैं। यूजर इंटरफेस में मैंने जैसे कि बताया, आप थीम में जाके काफ़ी चेंजेस करते हैं। उसी तरीके से आपको हेडर इमेज मिल जाती है, किस तरीके की हेडर इमेज चाहिए जो भी आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं आपको एक ऊपर हेडर इमेज देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं इसके अंदर क्यूक सेटिंग्स पैनल में, जिनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस में एसेंट कलर को आप चेंज कर सकते हैं, कौन से कलर चाहिए वो आप चेंज कर लीजिए यहाँ से। आपको प्राइमरी कलर कौन सा चाहिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए, आइकन शेप कौन सी चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दे सकते हैं उसके अंदर, वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है, क्या ब्लर इफेक्ट रखना है वो ऑप्शन मिल जाता है आपको। एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन जो है सिर्फ आपको रेडमी नोट 8 के अंदर काम करता हुआ दिखता है, रेडमी नोट 5 प्रो पे काम नहीं कर रहा है। और क्विक सेटिंग्स में जाएं, क्विक सेटिंग्स में आप जो इसकी टाइल्स होती हैं इनकी जो पोजीशंस हैं, कितने आपको चाहिए बटन्स, वो सब मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। ये ऑप्शन मिल जाता है आपको। सिस्टम इंडिकेटर, आपको GPU चाहिए कि CPU चाहिए, वो ऑप्शन मिलता है आपको क्विक सेटिंग्स में। बटन्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम रॉकर्स को कैसा चाहिए वो ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्या क्या आपने उनको यूज़ करना है ये चीज़ें मिल जाती हैं आपको। पावर मेनू के अंदर आप काफ़ी सारे बटन्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं पावर मेनू में रीबूट, एडवांस रीबूट, लॉकडाउन, टॉर्च, फ्लैश लाइट, एयरप्लेन मोड, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर रखी हैं, उनको आप यहाँ पर ईजिली ऐड कर सकते हैं। जेस्चर्स में आपको जो है इसके अंदर जो सिस्टम जेस्चर्स में एंड्रॉइड 10 के जेस्चर्स मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टू बटन नेविगेशन या नेविगेशन बार भी आप यहाँ पे सेटअप कर पा रहे हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के फीचर आपको जेस्चर्स में यहाँ पे मिलते हैं। नेविगेशन बार यूज़ करते हैं तो आप नेविगेशन बार को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। लॉक स्क्रीन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, क्लॉक स्टाइल कौन सा चाहिए उसको यूज़ कीजिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए, फॉन्ट साइज क्लॉक का, डेट का, ये सारे ऑप्शन चेंज कर पाएंगे। डेट स्टाइल कौन सी चाहिए वो सब यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आप दिखा देता हूँ लॉक स्क्रीन के ऊपर, कुछ आपको इस तरीके की यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, यानी डेट और
क्लॉक के फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि परफेक्टली काम करे। फेस अनलॉक जो है दोनों फोन में नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नोटिफिकेशन में आप छोटे मोटे यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एनिमेशन में आप एनिमेशन को यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको जो है स्मार्ट चार्जिंग का मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इजीली यूज़ कर पाते हैं। और साथ ही साथ मिसलेनियस में जाएं तो मिसलेनियस में जाके आप कुछ और चीज़ों को भी चेकआउट कर सकते हैं। अबाउट में जाएं तो आप इनकी पूरी टीम के बारे में जान सकते हैं, जैसे कौन इनकी टीम है। जो रेडमी नोट 8 के डेवलपर हैं वो श्रीनिवास हैं, बाकी जो आप रेडमी नोट 5 प्रो हैं उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ उनके डेवलपर्स के सारी जो है चीज़ चेक कर सकते हैं। मोस्टली जो इनके जो डेवलपर हैं वो है गुजराम हो गया, रेजा हो गया, बीम गाइड, ये सब इनके डेवलपर और इनकी टीम है, जिनके इन्फॉर्मेशन आप अबाउट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन तो आपको एनसेंट फीचर्स में मिले पाए हैं। वाईफाई कॉलिंग परफेक्ट काम कर रही है दोनों फोन्स में, उसमें सचेस कोई इशू नहीं है। बैटरी का पैनल आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। साउंड का पैनल भी आप जो है इसके अंदर सारी चीज़ों को यहाँ पे सेटअप कर पाते हैं, फोन रिंग टोन्स वगैरह दोनों सिम्स पे आप सेटअप कर पाते हैं इसके अंदर। अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम मिल जाती है, नाइट लाइट, एडिप्टिव ब्राइटनेस, वॉलपेपर्स, स्क्रीन टाइम, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, नॉच बिहेवियर, ये चीज़ें आप सारी यहाँ पे जाके चेकआउट कर पाते हैं। टैप टू वेक ये परफेक्टली काम कर रहा है इस रूम में इस टाइम पे। सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया फिंगरप्रिंट जो है परफेक्टली काम कर रहा है, बट फेस अनलॉक जो है अब आपको एंड्रॉइड 10 के अंदर देखने को नहीं मिलता है, जिसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी अकाउंट्स एक्सेसिबिलिटी आप जानते हैं, डिजिटल वेलबींग आपको लेटेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर जो है आप सारे के सारे अपने डाटा चेक कर सकते हैं, क्या स्क्रीन टाइम रहा है आपका, कितने नोटिफिकेशंस आपने रिसीव किए हैं और कितनी बार फोन को लॉक एंड अनलॉक किया है। तो ये कुछ ऑप्शंस आप यहाँ पे डिजिटल वेलबींग में चेक कर पाते हैं। सिस्टम में आपको डेट टाइम, बैकअप, रूल्स, रीसेट ऑप्शंस और मल्टीपल यूजर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप गेस्ट मोड पे भी अपने फोन को लॉग इन कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। Redmi Note 5 Pro में तो आपको MIUI का कैमरा मिलता है, बट Redmi Note 8 में आपको डिफॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको कुछ ज्यादा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, नॉर्मल से फीचर्स देखने को मिलते हैं और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके अंदर GCam 7.3 को ही, कुछ लिमिटेड ही एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ज्यादा कोई फालतू के एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं है। FM रेडियो मिल जाता है आपको, पिक्सल टिप्स मिलती है, गूगल फोटोज मिलती है, मैसेजिंग मिल जाता है, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। PUBG जो है आप Redmi Note 5 Pro के अंदर जो HD मोड पे खेल पाते हैं, इसके अंदर सिर्फ आप बैलेंस मोड पे ही खेल पाते हैं, PUBG को HD मोड पे आप इस पे नहीं जा सकते। ओवरऑल देखा जाए तो सारे फीचर्स जो है हम चेकआउट करके हैं, कस्टमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है, कोई लैग वगैरह आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है इस टाइम पे, सारी चीज़ें परफेक्टली और काफ़ी स्मूथली जो है काम करती हुई आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करना जो है मैं आपको दोनों फोन के अंदर एक ही प्रोसेस है कि आपको फाइल सेव कर लेनी है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए सिर्फ जो है आपको अपने फ़ोन के लिए जिप फाइल को सेव कर लेना है। तो दोनों फाइलों के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहां से आप उसको अपने फ़ोन के अंदर सेव कर लेंगे और उसके बाद जो है आप उसको अपने कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर लेंगे। तो ये देखिए Redmi Note 5 Pro में हमने सेव कर रखी है, ये वो फाइल है एनसेंट OS की, जो कि 1.35 GB की है। इसको आपने सेव कर लेना है और उसके बाद कस्टम रिकवरी पे बूट करना है। तो ये ऑप्शन जो था हमको पावर के ऑप्शन में देखने को मिल गया था एनसेंट फीचर्स के अंदर, जहां से आप रिकवरी मोड को इसमें इनेबल कर सकते हैं। तो यहीं से हम एडवांस रिबूट करके रिकवरी मोड पे बूट कर लेते हैं। दोनों फोन में एक ही प्रोसेस है, बस फाइलें अलग अलग होंगी। आपको Redmi Note 8 के लिए Redmi Note 8 की फाइल चाहिए और Redmi Note 5 Pro के लिए Redmi Note 5 Pro की फाइल चाहिए। तो ये देखिए अब कुछ ही देर में जो है हमारा फोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। हम इस टाइम पे अपने फोन के अंदर ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी यूज कर रहे हैं। आप TWRP, पिच ब्लैक या ऑरेंज फॉक्स कोई भी रिकवरी को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने फोन के अंदर इस रोम को फ्लैश करें। आप वाइप पे जाइए, डल्वी कैश, कैश, डाटा सिस्टम वेंडर, ये पांचों पार्टीशन को सिलेक्ट करके वाइप कर दीजिए। जैसे ये सारे पार्टीशन आपके फोन के ऊपर वाइप हो जाते हैं, आपने सिंपली क्या करना है, जो एनसेंट OS की जो रोम की जिप फाइल मैंने दे रखी है उसको फ्लैश करना। जी एप्स उसके अंदर इंक्लूड है, आपको अलग से जी एप्स इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत। तो ये देखिए रोम जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कम्प्लीटली इंस्टॉल हो सके, उसके बाद बताऊंगा आपको क्या करना है। तो ये देखिए फाइनली जो है रोम इंस्टॉल हो गया है, अब आप रीबूट सिस्टम कर देंगे। अब कुछ ही देर में आपके फोन के ऊपर जो है एनसेंट OS की बूट स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स जो है सक्सेसफुली आपने इस रोम को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया, जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद सेटअप पे जा पाएगा, आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और इस रोम के सभी फीचर जो है अपने फोन पे एंजॉय कर पाएंगे। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का रोम और आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।